नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं विनर्स और लूजर्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। विनर्स विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता तलाश लेते हैं, जबकि लूजर्स अच्छे अच्छे रास्तों में भी बहानों की तलाश कर लेते हैं। विनर्स हमेशा ही सकारात्मक नज़रिए के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जबकि लूजर्स छोटी सी बात आते ही थक हार कर बैठ जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। मित्रों, हम विनर्स की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ें। लाख विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन वहां पे भी अपने आप को शक्तिशाली बनाकर आगे से आगे ज़रूर बढ़ाते रहें, क्योंकि जीवन में संघर्ष तो हमेशा रहेंगे ही। संघर्ष ना हो तो फिर जीवन का आनंद भी नहीं है। लेकिन संघर्ष हमें तोड़े ना, लेकिन संघर्ष हमें निखारे। संघर्ष हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाए। संघर्ष हमारी आंतरिक शक्ति को और ज़्यादा जागृत कर दे। हम ऐसे अपने आप को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ाएं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि तकदीर लिखने वाला तो टूटी कलम से भी अपनी तकदीर लिख लेता है, जबकि अच्छी परिस्थितियां होते हुए भी जो बहाने करता है वो अपने आप को गर्त में डुबो देता है। इसीलिए मित्रों, आगे से आगे बढ़ते रहें ऐसी सुंदर बात के साथ, संकल्प के साथ। आई चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। संघर्ष को ना झेल पाने वाले ही अपने भाग्य को कोसते हैं। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी कलम से भी लिख देते हैं। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं तो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो नसीब ही खराब है। ऐसे काफी कथन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने को मिलते हैं। हम भी कभी कभी तनाव में ऐसी सोच पोषित करते हैं। जरा सोचिए, हमारे जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी कहीं थोड़ा कुछ कम होते ही हम शिकायत करने लगते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है जो जीवन के न्यूनतम जरूरतें होती है, फिर भी वे इन हालातों में भी अपनी तकदीर बनाते हैं। यह संभव है क्योंकि वे अभाव के साक्षी है और जानते हैं संघर्ष के बगैर जीवन असंपूर्ण है। इसीलिए जीवन में कठिन परिस्थितियों को साक्षी होकर पार कीजिए और उनसे प्रेरणा लीजिए जो इन हालातों में भी सफल बनते हैं। शिकायत नहीं, सीख लीजिए। वास्तव में अंतिम लम्हे तक हमें संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष करता है उसकी जीत की जो उम्मीद है वो जगी रहती है। लेकिन अंतिम समय तक पहुंचने से पहले ही यदि विकराल परिस्थिति को देख करके हम घुटने टेक देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तब तो वही हमारी हार हो जाती है। और लोग वाह वाह नहीं करते, लेकिन थू थू करते हैं कि क्या किया इसने। क्रिकेट की टीम को ही देख लीजिए, सामने वाला यदि 350-400 रन बना दे और हम बिल्कुल घुटने टेक दें कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि यार कम से कम प्रयास तो किया होता, संघर्ष तो किया होता। बड़ी सी सेना को देख करके यदि छोटी टुकड़ी आत्मसमर्पण कर दे तो भी लोग कहते हैं कि यदि हार वाले जाते, लेकिन कम से कम युद्ध तो करते। तो यही वास्तव है मित्रों, जो हम दूसरों से कामना करते हैं वही चीज़ हम स्वयं के साथ भी अप्लाई करें। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, सामना संघर्ष ज़रूर करें, भले ही वो विपरीत परिस्थितियाँ हों या फिर बीमारी ही क्यों ना हो। आप हमेशा तंदुरुस्त रहें ऐसी हमारी कामना रहती है, और इसीलिए आपकी सेहत आपके हाथ में सुंदर सी बात रोज लेकर के आते हैं। लेकिन यदि कभी बीमारी हो भी जाए, हार ना माने, डटे रहें। आइए चलते हैं। ओम शांति। आज का हमारा जो ऑर्गन है, सिस्टम है, वो लीवर है। लीवर शरीर का एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है जहाँ पर हर चीज़ें आकर चेंज होती रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है। कोलेस्ट्रॉल भी 2/3 कोलेस्ट्रॉल लीवर ही बनाता है,
लीवर का जो देखा गया मेन नेगेटिव इमोशन वो है एंगर, गुस्सा। एंगर क्या करता है, जो बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन है उनको बढ़ाता है, बॉडी में एसिडिटी को भी बढ़ाता है, अल्सर भी करता है, हार्ट अटैक भी करता है। तो एंगर के कारण जो चेंजेस आते हैं, लीवर का डीजनरेशन चालू हो जाता है, और जैसे जैसे डीजनरेशन चालू होता है तो लीवर की कई बीमारियां जो बहुत ही डेंजरस रहती, सिरोसिस, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने एंगर को, एंगर क्या, एक नेगेटिव रिएक्शन है, और उस नेगेटिव रिएक्शन में मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है। पॉजिटिव मैं रिएक्ट करूँगा, साक्षी होकर देखूँगा, तो मेरे को गुस्सा कम होता जाएगा। हर एक का पार्ट अपना अपना है, मैं उसको डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देख रहा हूँ, और जितना मैं डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देखूँगा तो एक रिदम बॉडी की क्रिएट हो जाती है, और जो अनवांटेड नेगेटिव लोड है लीवर पर वो ठीक होने लगता है, हीलिंग चालू हो जाती है। हम अगर ब्रीदिंग को भी ठीक करते हैं तो ये एंगर हमारा ठीक होता रहता है। कई चीज़ें हमने परमात्मा से ली है और उसको मैं दे रहा हूँ लोगों को, और हरेक के रोल को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, तो वो जो नेगेटिव रिएक्शंस हैं वो हमारे कम होते जाते हैं। और दूसरा है फॉरगिवनेस। जितना हम फॉरगिव करेंगे, माफ़ करेंगे, तो वो भी हमारे बॉडी के लोड को कम कर देता है। तो यहाँ हम अपने को प्यार करना सीखें, लव करना सीखें, जो हमेशा मैं कराता हूँ, आई एम गुड, आई लव यू। तो जितना हम अपने को प्यार देंगे, एनर्जी देंगे, तो वो हमारी हीलिंग में मदद करेगा। लव सबसे पावरफुल हीलिंग इमोशन है, और इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, तो मेरा गुस्सा कम होता जाएगा। ओम शांति। संघर्ष भी एक कहानी है जो आगे चलकर सबको सुनानी है। वास्तव में संघर्ष के जो दरमियान हमारे अनुभव होते हैं, जो पार करने के लिए हम तरीके अपनाते हैं, जो संकल्प हम अपने पास रखते हैं, जिस मनोबल का हम आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं, वो सारी चीज़ हमारे अनुभव में शामिल हो जाते हैं, और वही आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शन भी करते हैं, और ये हमें एक शक्ति देते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं, यदि हमारे पास ऐसे अनुभव रूपी रत्न हैं। तो ऐसे ही सुंदर अनुभव ही हमारे विशिष्ट की बातें विशेष में प्रतिदिन हमारे बीच होते हैं, अपने सुंदर अनुभव के साथ, जो हमारे साथ साझा करते हैं कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए, और कैसे और कौन कौन सी बातें इसमें सहायक होती हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ इस सुंदर सेगमेंट में कौन से खास मेहमान हैं। बहुत सुहावना अनुभव रहा, जिसे मैं कह सकती हूँ ना कि साधक की गति साधक जाने, और कुछ शब्दों में व्यक्त करना शायद मुमकिन नहीं होगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी खुशी मुझे उन 3 अवार्डों को लेने पर नहीं मिली थी, जब मुझे वुमेन ऑफ द ईयर के 3 बड़े अवार्ड मिले, या जब भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड मिला, या ढेर सारे मुझे इतने पुरस्कार मिले, कोई खुशी उतनी नहीं मिली थी जितनी खुशी मुझे जानकी दादी को मिलकर मिली। जब मैं जानकी दादी को मिली और जानकी दादी ने मेरे दोनों हाथों में हाथ लेकर और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की, और जो मुझे संकेत दिए भविष्य के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रांसफार्मर से मैं अटैच हो गई हूँ और पूरी लाइफ मेरी उज्जवल हो गई है करके। और वो अनुभव तो बड़े सुहावने थे। रतन मोहिनी दादी जी से पर्सनल मुलाकात, उसकी अनुभूति भी बड़ी निराली है। और जो कुमार हैं और जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं, जो पवित्रता स्थापित की है, शायद सही तरीके से उसको लोगों को समझाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगी
कि मैं निकट भविष्य में बहुत सारी गलतफहमियां दूर करके और उनकी सही सात्विकता और सही उज्ज्वलता लोगों के सामने में ला पाऊं। यहाँ के जैसा स्पिरिचुअल पावर वाला दूसरा मिशन ना है और ना शायद आगे मिलेगा, जो इतनी पवित्रता के साथ में और इतने ज्ञान के साथ में धरोहर को संभाल कर चल रहा है। मुझे तो अनन्य प्रसन्नता है और मुझे लग रहा है कि मैंने जो 26 जून को अपना 50वां बर्थडे यहाँ मनाया, शायद वो मेरी जिंदगी की एक सबसे अच्छी धरोहर आज मेरे साथ में जाएगी। विचार करें कि एक नाव है जो सागर में तूफान के बीच फंस गया है। नाविक यदि हैरान परेशान हो जाता है तो नाव का डूबना तय है। वैसे ही आकाश में एरोप्लेन उड़ रहा है और वहाँ पे भी विपरीत परिस्थितियाँ आ गईं। यदि पायलट अपना धैर्य खो देता है तो भी उसका निर्णय सही नहीं होगा। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति या विपदा में यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं, संतुलित रखते हैं और समाधान की ओर देखते हैं तो रास्ता ज़रूर निकल आता है। और इसमें मदद करता है मित्रों अध्यात्म, कि कैसे अपने मन को शीतल, शांत और संतुलित रखा जाए और कैसे ये कार्य सहजता से हम अपने जीवन में कर सकते हैं, यही कला ब्रह्मा कुमारी संगठन हर एक को सिखा रहा है। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारी की सुंदर सेवाओं को। आज के इस भाग दौड़ के समय में अपने मन को तनाव मुक्त रखना अति आवश्यक है, जिसमें मेडिटेशन सबसे कारीगर है। मेडिटेशन से तनाव मुक्त रहने के सहज उपाय जन जन तक पहुंचाने के लिए भोपाल के सहस्त्रबाहु नगर होशंगाबाद रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस में मैजिक ऑफ मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के प्रेरक वक्ता डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन ने इस विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने संकल्पों को कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में अहम जानकारी दी। तो जैसे ही मन बुद्धि से मैं अपने आप को प्रकाश स्वरूप में देखने लगता हूँ तो मेरा मन का जो संकल्प चलता है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, धीरे से वृद्धि होने लगता है। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदर नृत्य प्रस्तुति से हुई। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने राजयोग के अभ्यास को अपने जीवन में उतारने का प्रण लेते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया। हम सबके सामने अनेक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने संघर्ष करते हुए अपने आप को स्थापित किया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, रजनीकांत जी हों, अनेक प्रकार के खिलाड़ियों के नाम आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेरक हैं हमारे जीवन के लिए, संघर्ष करते हुए जिन्होंने सफलता अर्जित की है। याद रखें, संघर्ष हमें शक्तिशाली बनाता है, संघर्ष हमेशा ही महानता की ओर हमें लिए चलता है। बस शर्त ये है कि संघर्ष हमें तोड़े ना बल्कि हमें निखारे, इस बात का हमें ख्याल रखना है। ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा। कल नए एपिसोड के साथ आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।